नोफैप की कमिटमेंट की सही ड्यूरेशन कितने दिन होनी चाहिए, आज का हमारा ये टॉपिक है उसी सीरीज का जिसको हम कहते हैं कि नोफैप की सीरीज में आजकल मैं आपके ज्ञान के लिए कुछ अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। सो ये वीडियो उसी सीरीज का अगला वीडियो है। सो इसमें हम बात करेंगे कि नोफैप की कमिटमेंट का ड्यूरेशन हर इंडिविजुअल के लिए कितने दिन का होना चाहिए, क्या सही ड्यूरेशन रहेगा आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। सो हमारे पास अक्सर ये सवाल आए जा रहे हैं बहुत सारे कि सर नोफैप के बारे में ये तो समझ आ गया कि करना कैसे है, मगर नोफैप की कमिटमेंट कितने दिन की लूं, मैं अपने केस में कमिटमेंट कितने दिन की लूं। सो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग नोफैप की जो कमिटमेंट लेते हैं वो 3 महीने की लेते हैं, दैट इज 90 डेज। वो 90 डेज की कमिटमेंट लेते होते हैं, मगर ये ना एंटायरली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। किसी के लिए 90 दिन भी बहुत कम ड्यूरेशन है, और किसी के लिए गिनती के 2 हफ्ते भी उसको ऐसे लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल। सो आपको कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि आपको कितने दिन की ड्यूरेशन का कमिटमेंट लेना है। बहुत सारे लोग मंथली भी कमिटमेंट्स लेते हैं महीने के हिसाब से, बहुत सारे लोग ईयरली कमिटमेंट्स पे भी जाते हैं, सीधा ही 1 साल का कमिटमेंट लेके चल पड़े। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ डू यू फील कंफर्टेबल। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि आप चाहे 1 हफ्ते का कमिटमेंट लें, 2 का 3 का, 1 महीने का, 90 दिन का, 1 साल का, वट एवर यू डिसाइड, बट स्टे कमिटेड टू दैट कि मेरे को ये नहीं करना तो मेरे को ये नहीं करना। क्योंकि जो लोग अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं ना, फिर उनको वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जिसको कहते हैं कि यार मैंने एक मुकाम हासिल किया है, वो फीलिंग जो आती है ना उनके लिए बहुत खास फीलिंग हुआ करती है, और उस फीलिंग के जोश के साथ वो आराम से आगे एक्सटेंड भी करते रहते हैं। और यदि मान लो किसी ने लंबे टाइम की कमिटमेंट ले ली है, चाहे 15 दिन के लिए चाहे 1 साल के लिए, उसके हिसाब से वो लंबाई हो सकता है। सो किसी ने कई लंबे टाइम की कमिटमेंट ले ली है, मगर उस कमिटमेंट के दौरान बीच में से वो कमिटमेंट अपनी ऑनर नहीं कर पाया, बीच में से टूट गई। सो यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, नेवर बीट योरसेल्फ। अपने आप को कसूरवार मत साबित करते रहिए, अपने आप के अंदर गिल्ट मत पालिएगा। ये कम्युनिटी बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, ये आपकी जरूर मदद करेगी, उसके साथ आगे बढ़िए। अपनी गलतियां, अपने को बीट करना बंद कीजिए, अपने आप को गुनाहगार सा बनाना बंद करके आगे बढ़िए, और इस कमिटमेंट पे टिके रहिए इफ यू वांट टू डू दिस। मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो से भी आपको पूरी क्लैरिटी मिली होगी नोफैप के बारे में एक नई चीज की। और इसी तरीके अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और जितना हो सके इनको शेयर कीजिए, बिकॉज हमें इस दुनिया से सेक्सुअल हेल्थ के बारे में फैले अंधेरे को हटा के उजालों को लेके आना है। कीप एंजॉयिंग ग्रेट सेक्स लाइफ।